जनाजा जो मैं शुरू किया कहता है जनाजा पढ़िया तेना घर टुट गया वो मैं तुम्हें पहला दस वो मैं पहला गल कर उतो मैं गया तू आखन गया जी तो 13 बंद मौलवी निकाह दोबारा पढ़ाए ने तुम्हारे निकाह वो दसवें चाली का खत्म से उत्थे मैं खलो के आख्या यार मैं अज पता लग्या इतने प्रैक्टिकली कि 13 बंद मौलवी साहब निकाह पढ़ाए वाकई का मतलब फिर टुट गया नहीं तो पढ़ाए टुट गए मैं क्या जी तो इंज निकाह टुटन लगन इलम बना के भेजे इलम ना हिकमत ना ना हो बंदा जलील हो जाए ऐ परदा लग्या तियां बैठिया ने भैं बैठिया ने मावं बैठिया ने या जो सैयदजादियां ने वह मुर्शदजादियां बैठिया तियां भैं मावं मैं आख्या जड़िया गैर सैयदजादियां बाकी मुर्शदजादियां तशरीफ फरमा इतने मैनू को बंदा आके तेनों औरतों के गुस्सा लाते हैं मैं ना मैनू आते इतने तफसील बयान कर मैं कभी भी नहीं करता मैं बिजत होना है मैनू को बंदा आके जो तेन आ दसदा क्यों नहीं ये हिकमत है हाँ मेरा इलम तो नहीं ना ये हिकमत इस वास्ते कि इतने मैं बयान करना शुरू करा वो गल्ला ऐसा ने कि बंदे आखन गए तेन हया ही नहीं आया हाला मैं इलम की गल पे करना यदा कितनी जरूरी है हिकमत कितनी जरूरी है हिकमत आज जरा फौज के सामने उन्हें साड़ छड़िया कमांडर हाउस कोर कमांडर हाउस फौज चुप की रही है बंदे गए ने वो चुप किए रहने उन्हें बूहा पन छड़िया वो चुप किए गए ने वह अंदर वड़ गए ने वह चुप किए रहने उन्हें साड़ छड़िया लोग पे सोचते हैं इन्नी ताकत होंदिया ये चुप क्यों रहे हैं इन्नी ताकत होंदिया तुसा गौर ही नहीं फरमाया वही फौज को ताकत है ना वो तो साबित हो गई है ना हो गई है मेहरबानी ये मतलब ताकत रख के चुप क्यों रहे ने ताकत रख के चुप रहता ही वो है जो इलम के साथ हिकमत को जानता वो यार ताकत रख के चुप सान वाह बहुत शुक्रिया मैं ना ताकत है सी कि नहीं फौज को फिर वो साड़ देना की सहने साड़न वाले कख भी नहीं सन कख भी सन फौज को टैंक मौजूद ने फौज को निशाने हैदर मौजूद फौज को आइटम बम मौजूद एटमी कुवत असी तो 10-15-20-50 बंदे आके चढ़ के साड़ के टुट गए मजाक कख भी नहीं सन कमजोर सन लोग वो मजबूत सन चुप क्यों रहे मैं दसना मैं तो हिकमत की हिकमत सी जब बड़ा ताकत रख के चुप रहता है ना वो कमजोर नहीं होता निशानदेही कर रहा क्या बात है जदों फौज पूरी निशानदेही कर ली है उतो छापे शुरू हो गए ने सारे फड़े गए ने फिकर ना करो ये खानदान बड़ी देर चुप रहा है छापा पड़ने वाला है मादी आने वाला बड़ी देर है खानदान चुप रहे माना तुम जजा दे मैं अर्ज कर रहा हिकमत जरूरी है हिकमत और मैं हिकमत वाली गल कर लगा जनाजा जो मैं शुरू किया कहते हैं जनाजा पढ़िया तेना घर टुट गया वो मैं तुम्हें पहला दसा वो मैं पहला गल कर ये नबी पाक तो बाद नबी दे इल्मो हिकमत दे वारिस का नाम अली कोई बंदा साबित नहीं कर सकता किबला मेरे पीर तो अलावा नबी फरमाया आना मदीना तो इल्मे वाली उन बाबू हा आना दारुल हिकमत वाली उन बाबू मैं इलम का शहर हाँ तो दरवाज़ा अली तो जे मैं हिकमत का घर तो दरवाज़ा फिर अली है हज़रत अली अलैहि सलाम दे जेड़े फैज़ याब लोग ने मौला अली दे करीब रेंदे ने या मौला अली नूं पढ़दे ने उन्हां नूं हादी मनदे ने उन्हां कोल इलम भी होना चाहिए मेहरबानी हिकमत भी होनी चाहिए अह हिकमत नाल ही पे जिंदगी गुजारने वरना लोगों तो सानूं काफर आख छड़ यह जी गल है ना जी है बंदे आंदे ने निकाह टुट गया तो वह मैं गल कर लगा सा वह मैं हिकमत को ही कम लिया जी उत्थे मैं हिकमत नाल मसला हल किया उत्थे मैं गया तू आखन गया जी तो 13 बंदियां दे मौलवी निकाह दोबारा पढ़ाए ने पर तुहाडे निकाह वो दसवें चालीए का खत्म से उत्थे मैं खलो के आख्या यार मैनू अज पता लग्या इत्थे प्रैक्टिकली कि 13 बंदियां दे मौलवी साहब निकाह पढ़ाए ने वाकई का मतलब फिर टुट गया नहीं तो पढ़ाए टुट गए मैं क्या जी तो इंज निकाह टुटन लगन तो जेडे अहले सुन्नत दोस्त ने जिन्हें बंदे अपनियां बीवियां तो तंग ने वो धमकी भी दे सकते हैं कि बंदे की पुत्र बन जा वरना कुशिया मर गया ना धमकी दी जा सकती है इतने कुशिया मर लैन दे ना मैं कचहरी जाना ना मैं कोई पंचायत बनानी तो ना मैं कोई लिख के देना कख भी नहीं करना मैं जनाजा पढ़ा है कैसा आराम हो गया उन्होंने सन तो नहीं मज़ साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल है साढ़े मज़हब चेंज नहीं होंगे साढ़े मज़हब जिथे रजिस्ट्री होंगी है ना उत्थे टुटदी
हाय हाय तुहाड़ियां रजिस्ट्रियां कित्थे होंदियां शेहूपुर फरोजवाला तहसील फरोजवाला होंदियां रजिस्ट्री होई होवे फरोजवाले जाके जिते तहसीलदार ने सद के पुछया होवे पैसे ले लै जे ले लैने जमीन दे छड़ी जे जी दे छड़ी ये सर रजिस्ट्री होंदी है हुण त्रोड़ना होवे तो फिर थोड़े ना त्रोड़ी दी तुहाड़ी क्या बात अरे बंदा आखे भी मैं फरोज वाले जी हुई सी तुम हम वकील हाँ कोई दसना पर रजिस्ट्री हुई उत्थे जाके फरोज वाले इतने बंदा एक वट्टा थले रखे तो विचकार रजिस्ट्री रख के कुत्ते रखे तो आखे लगा मैं त्रोड़न सौ सट भी मारे ना पूरे जोर नहीं टुटती नहीं टुटती जिमें थौड़े ना रजिस्ट्री नहीं ना टुटती घोड़ा वेखन ना नगाह भी नहीं टुटता ना किसी का जनाजा पढ़ने टुटद रजिस्ट्री जिम्मे होंगी है ना उवे वापस त्रोड़ी जाती बैग जाना पैंता फिर जाके आखना पैंता कि जनाब वापस करो फिर वो दो बंदे जाते हैं फिर गवाह जाते हैं है मजहब है हले बैग तो सदके साढ़े हाई च तलाक नहीं होंगी तलाक ही तलाक ही तलाक ही इस तरह तो नकाह भी बंदा कर छड़े लंघती बीबी बंद आ छड़े नकाह ही नकाह ही नकाह वो गल करो करने वाली और यार जिमें रजिस्ट्रियां होंदिया ने उमें टुटदियां ने मेरे मजहब में बंदे गवाह बैठते हैं और एक वकील भी हो तो वो कहता है अनकह तू मुवक्किलती मुवक्किली अलल महरल मालूम वो सीगे पढ़ के निकाह करता है तलाक के लिए दोबारा गवाह लाने पड़ते हैं सीगे पढ़ने पर और अल्हम्दुलिल्लाह सा सदरे पाकिस्तान दे सिग्नेचर नाल मनवा लिया कि साड़ियां बच्चियां नू तलाक फिका जाफरिया के मुताबिक होगी हूँ वकीलों भी फिका जाफरिया पढ़नी पैगी हाँ पढ़नी पैनी है यारा वकालत करनी पैनी है नहीं इस तरह कुछ भी नहीं होंगे छोटिया छोटिया गल् ने यह टोटके ने आने नफरत फैलाने के टोटके ने नफरत फैलाने के टोटके ने जे तो इंज ने घर टुटन लगन तो हले सुनत भरा साढ़े आखण अपनी बीवी को बंदे की पुत्र बन जा वरना जिदन शिया मर गया मैं जनाजा पढ़ होना तू घट उठ जा तो मेरा ख्याल सानू आराम हो जाना है कि साड़िया भैन ने दुआ करनी है या अल्लाह कोई शिया ना मरे ना अल्लाह अकबर मौला तुहानू जजा देवे उत्थे मैं हिकमत कोलों काम लिया इलम वाली गल नहीं सी क्योंकि इहो जिहा बंदा ना हिकमत वाली पूरिया हूँ वो फिर मैं गुजरात से क्योंकि शहर गुजरात से मैं उन्होंने आख्या यार ये मसला सही है भी निकाह टुट ही जाता बंदा शिया का जनाजा पढ़े मैं क्या एक गल है ये गुजरात नाल मेरी गल है मैं बाकी सारे पाकिस्तान नाल नहीं क्योंकि मसला ही गुजरात वाला उन्हें क्या मसला गुजरात वाला मसला कितना मसला तो मसला होता मैं कहना मैं इतना मैं हिकमत ना मैं क्या मुशाहिद हुसैन सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद वो काफ लीग के बच्चे काफ मुशाहिद हुसैन सैयद नस्ली शिया माँ बाप नानके दादके उदी वालदा माजदा फौत हो गई तो गुजरात के चौधरी जाके उदा जनाजा पढ़ के आए ने मैं हजे उन्होंने बच गया तो दूजा का भी बच क्या बात है वह मौलवी हाथ पैर पै गया पे दिल करे तो चौधरी मैनू सद लै मौलवी है कि चवल मारी जा मैं क्या उन्हें चौधरी दोबारा करने पैण गए तो जिनी देर तक उदे जनाजे हो गई है दरम्यान च फिर जिन्हें तलक रहने मियाँ बीवी के नजायज रहने वो मैं तो गल करके आ गया मौलवी साहब फिर अगे पिछे हो गया अल्लाह के फजलो करम ना दोबारा गल नहीं हुई मैं क्या यार किवें दी गल करदे हो गरीब का जनाजा पढ़िए तो निकाह टुट जाता है तो अमीर का पढ़िए तो कौन ही टुटता कैसा मजहब है फतवा नहीं हो सकता बड़े आलम की गल नहीं हो सकती मेरे मोहतरम साहब मैं खुदा की कसम असी हैरान हाँ वाह पीर रियाज शाह तेरी कबर नू सलाम है हो सके असी हद मुक गई है अपनी बीवी निकाह वाली छड़ के बंदा चौं थावां ते खे खावे सना करावे ते फिर तेरा निकाह नहीं टुटदा हाँ सदका जावा तू शराब पीए ते तेरा निकाह नहीं टुटदा गाना सुने ते तेरा निकाह नहीं टुटदा अपनी बीवी तो अलावा हजार थां तू खे खा के आवे ते फिर तेरा निकाह नहीं टुटदा और तेनू की हो गया सिर्फ सिर्फ शबीर की मजलिस चाहे तेरा निकाह टुट दिंदा कैसा कच्चा निकाह मेरे मोहतरम सामीन ये नफरत फैलाने वाली गल्ला ने इलम दे नाल हिकमत जरूरी है मैं औरतों के गुस्सा इतना नहीं दस सकता हिकमत 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 का वारस ही अली